सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग्स। एंड आज यार दिन है शनिवार, सैटरडे, और रात पूरी रात यार बारिश हुई। आज पूरी रात लाइट नहीं था, लाइट अभी आई है 10 मिनट पहले, और टाइम भी 12:30 हो गए हैं और अभी जाके लाइट आई है। तो सुबह से गाइज कुछ भी नहीं किया, लेट आओ लेट रही, अभी नहाया भी नहीं हूँ और ठंड बहुत है यार। आज नहाऊंगा भी नहीं, सोच नहीं रहा हूँ नहाने के लिए। अब बाहर कहाँ जाए कुछ आइडिया नहीं है कि आज क्या करना है, कंटेंट कैसा होगा, ये कुछ पता नहीं है क्या डालूंगा कंटेंट कल का। बट ब्लॉगिंग अगर डेली स्टार्ट किया है तो डेली करनी तो पड़ेगी ना, अपने लिए कुछ, आप लोगों के लिए है, बट करनी तो पड़ेगी ना। तो कोई नहीं गाइस, देखते हैं शाम तक अगर कुछ होता है तो कर लेंगे। तो गाइस अब टाइम 12:30 हो गया और मैं उठा के खाना खा लिया मैंने, क्योंकि लाइट नहीं, तो लाइट अभी जाके आई है, तुरंत अभी आई है 10 मिनट पहले। तो जाके आप देख सकते हो, अब लाइट लग रही है मेरे चेहरे पे थोड़ी बहुत। और सुबह से फ़ोन कैमरा दोनों चार्ज नहीं था, तो पहले से चार्ज किया इसमें, तो फिर कल का जो मैंने ब्लॉग शूट किया था उसका फाइल अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र किया, तो फिर ट्रांसफ़र कर सारा काम करके अब एडिटिंग करने जाऊँगा उसकी, क्योंकि कल वो ब्लॉग आएगा और ये ब्लॉग मंडे को आएगा, क्योंकि मैं आप लोग से 2 दिन पहले चलता हूँ। तो कोई बात नहीं गाइस, और आज के ब्लॉग को खूब सारा प्यार देना यार, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज टूर का ब्लॉग डाला है, कॉलेज टूर का दिया है मैंने, थोड़ा बहुत दिया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दिया, तो खूब सारा प्यार देना यार। और प्लीज़ यार लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यार वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। तो चलो देखते हैं और क्या करना है यार। अभी बारिश ही हो रही बाहर, तो मैं आपको बाहर का थोड़ा सा सीन दिखाया था, कैसा है, बारिश की तरह आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है, बट खुलेगी नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि आज बारिश खुलेगी। तो कोई नहीं यार, अपने भाई है, जो भी हो शूट करेंगे डालेंगे, जो भी हो कंटेंट कुछ ना कुछ तो यार डेली मिल जाता। मुझे लगा नहीं था गाइस, सच्ची बता रहा हूँ कि शाम तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं 7-8 दिन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बट मुझे इतना पता नहीं था कि हाँ यार कि मुझे डेली कंटेंट मिलेंगे। बट कोई नहीं यार, डेली कंटेंट मिल रहा है और अच्छा लग रहा है, फीलिंग भी अच्छी लगती है यार कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ उस पर कुछ परसेंट मैंने सक्सेस हो चुका हूँ, अभी 1% भी नहीं हुआ हूँ, बट हाँ धीरे धीरे हो जाएगा और कन्विंस हो जाएगा इंसान, धीरे धीरे आदमी कर लेगा जो भी करना है। तो कोई नहीं यार, आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा डेली वाला। तो चलो देखते हैं, बाहर का सीन दिखाता हूँ पहले आपको। ये देख सकते हो बारिश आ रही है सामने, दिख रहा होगा मैं आपने जूम किया है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत ऐसे दिखाता हूँ आपको, जो कि आप मेरे हाथों पर देख सकते हो पानी की बूंदे, और सामने देख सकते हो आप लोग बारिश ऐसी ऐसी हो रही है। ये देखो सामने देख रहे भाई। तो यार क्या बताऊँगा अब यार, कहीं तो जा तो सकते नहीं है, बट कोई नहीं, जैसा भी हो जो भी हो कंटेंट कुछ ना कुछ शाम तक तो ऐसा कर लेंगे। या फिर देखो यार, आज घर में ही मैं सोच रहा हूँ कि आज जो है कुछ मैं बनाऊँ रेसिपी, कोई खाने के लिए कुछ रेसिपी जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। और तो चलो देखते हैं क्या बनाते हैं, बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा, और देखते हैं कैसा होता है जो भी बनाएंगे। तो चलो खूब सारा प्यार देना अपने भाई को यार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार जल्दी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यार, कि मुझे लगभग 10 दिन आज होने वाले हैं, 10 डेज से मैं डेली ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, डेली वीडियो शूट कर रहा हूँ, और ये लाइटिंग के लिए मैंने अपना फ्लैश यूज़ कर रहा हूँ, ताकि कुछ, क्योंकि चेहरे पर मेरे वो बूंदी सी अजीब सी आ रही है, तो जो कहते हैं कि जब वो पड़ता है कुहासा वैसा ऐसा ऐसा नहीं पड़ जाता शरीर पर, वैसा ऐसा आ रहा चेहरे पर, जी 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 थोड़ी सी लगेगी, तो इसलिए मैंने यूज किया है अपने फ्लैश का। तो भाई मैं आपको ये कह रहा था कि यार आज मेरे 10 दिन होने वाले हैं डेली ब्लॉग शूट करते हुए, डेली गिरते हुए, और तो यार मैं एक चीज़ बता दूँ, कोई भी काम यार मुझे लगता था यार अभी तक, क्योंकि मैं कंटेंट कभी कभी लाता था, 1 हफ्ते में 2 वीडियो डाल देता, मुझे इतना हार्ड नहीं लगता था उस टाइम ब्लॉगिंग करना चाहे जो भी हो, बट यार अब मुझे ना समझ में आ रहा है कि हाँ यार एक ब्लॉगर की लाइफ या एक सोशल मीडिया जो भी क्रिएटर हो, चाहे आपका कंटेंट कैसा भी हो, जैसे भी हो आप करते हैं, जिस भी फील्ड से आप वीडियो बनाते हैं, चाहे कोई भी काम करते हो, हर एक काम को करने के लिए यार सबसे पहले हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, जो कि मुझे लगता है इंसान सक्सेस होने से पहले ना जो हार्डवर्क, इंसान जितना हार्डवर्क अभी आप कर लो ना आगे जाकर उतनी ग्रो होगा आपकी लाइफ। तो यार मैं 10 दिन में ही देख रहा यार कि लाइफ का जो होता है ना, कुछ जो पार्ट होते हैं, जो टाइम होता है, वो टाइम हम अपने आप को खुद नहीं देके आप लोगों को अपने साथ भी जोड़ के अपनी लाइफ के टाइम को देते हैं। तो यार चाहे कोई भी हो ब्लॉगर, चाहे कोई भी क्रिएटर हो, चाहे हेटर्स ही हो, चाहे जो भी कंटेंट करता हो, चाहे फनी वीडियो गिरता हो, चाहे रोस्टिंग वीडियो गिरता हो, तो बट यार प्लीज़ उसे प्लीज़ यार
लाइक किया करो यार, ताकि वो अंदर से मोटिवेट हो बंदा आप लोगों के लिए। क्योंकि यार मैं देख रहा हूँ कि पूरे दिन में यार 10-15 मिनट मतलब की वीडियो शूट करने के लिए यार बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है भाई। कम से कम 7-8 घंटे में देखते हैं तब जाके एक एक पार्ट क्रिएट होता है, एक एक पार्ट बनता है हमारे पास, तब जाके 10 मिनट की वीडियो आपके सामने हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आने की कोशिश करते हैं। मैं तो अभी अपने आप को नहीं मानता कि हाँ मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लाता हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा कंटेंट डालूँ, जितना अच्छा अपने आप को बेटर कर सकूँ, करूँ, मेहनत करूँगा, कभी ना कभी तो इंसान आगे जाए, ग्रो होगा और आप लोगों का साथ रहते जल्दी हो जाएंगे। क्योंकि एक इंसान कभी भी एक युद्ध को नहीं जीत सकता अकेला, उसके लिए उसे अपनी पूरी टीम की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही एक टीम चाहिए मुझे, यूनिटी चाहिए, जब जाके हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो यही मुझे कहना था यार, पता नहीं आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगी हो, कहीं आप ये ना सोचे कि कंटेंट और टाइमिंग बढ़ाने के लिए कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, तो मैंने सोचा कि आज ही कर लेता हूँ क्योंकि कहीं जाना वाना नहीं है और अच्छा टाइम है। तो अगर प्लीज़ इस बात पे मुझे फोकस करना, मेरी इस बात को कि कोई भी हो बंदा, चाहे छोटा क्रिएटर हो चाहे बड़ा क्रिएटर हो, प्लीज़ यार आप लोग अगर उसकी वीडियो देखते हो ना तो उसे हैट वीडियो या उल्टा सीधा कोई कमेंट ना करे, कोई ऐसे निगेटिव कमेंट ना करे ताकि वो कुछ उल्टा सीधा सोचने लगे और उसका मोटिवेशन लेवल कम हो, उसे मोटिवेट करे कि और अच्छा करे वो। तो प्लीज़ यार चाहे कोई भी हो उसे अच्छा बेटर से एक नाइस का आप कमेंट कर दोगे ना और एक लाइक दे दोगे ना, बंदा बहुत खुश हो जाता है। तो बस यही कहना था आप लोगों से, तो चलो और देखते हैं क्या करना है आज, ठीक है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ हलवा बनाने, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेकिंग माई मी, मैं बनाऊँगा इस हलवे को, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। सो गैस लगा दी आग भाई, और ये ऐसे थोड़ा आग बस ओके ठीक है, एंड चीनी एंड रिफाइंड एंड दिस इज सूजी। सो अभी मैं हलवा बना रहा हूँ और बारिश हो रही है सुबह से, तो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं बना लूँगा कैसा है, जैसा ही बने बट दिखाऊँगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो मेरे साथ बने रहो और मज़ा आएगा, बनाता हूँ देखता हूँ टेस्ट ही बनता है कैसा बनता है, मम्मी के कैसे नहीं बनेगा बट जैसा ही बनेगा बनाएंगे, है ना। चलो फिर बनाते हैं इसे। सो गाइस कढ़ाई जो है गर्म हो गया है, तो इसमें डालेंगे रिफाइंड जो कि कुछ ऐसे पड़ेगा, रिफाइंड पड़ चुका गाइस और लाइटिंग थोड़ी कम है तो मैं लाइटिंग का यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। सूजी ऐसे सूजी दे देंगे, तो इसका हम सूजी गिर रहे हैं, तो दिखा रहा हूँ थोड़ा तेल गर्म होता है रिफाइंड हल्का डाल, और इसमें हम डाल रहे हैं सूजी जो कि मैं लाया हूँ दुकान से, तो सूजी डालते हैं इसमें पहले। सो मैंने कुछ आधी सूजी गिर दिया इसमें और सो बाहर से आवाज़ आ रही होगी आपको कि, और इसे फिर चलाते हैं हम लोग ऐसे करके, ऐसे करके चलाएंगे इसे पूरा भूंगते हैं गाइस, पूरा भूंगना पड़ता है इसे, तो इसे भूंगेंगे हम अच्छे तरीके से पहले। सो ये पूरा भून गया, लाल हो जा रही है, वाइट वाइट है आप लोग देख सकते हो, जैसे कि ये दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, आप दिख रहे हो वाइट वाइट, अभी ये कर देंगे रेड इसे, ठीक है। तो देखो अभी से हम भूंग रहे हैं पहले इसे अच्छे तरीके से, क्योंकि कहते हैं रेड कलर का पूरा पड़ेगा, इसे भूनते हैं अच्छे तरीके से पहले, बढ़िया करके लाल करना पड़ेगा इसे भूनते हैं। तो देखो इसे कुछ ऐसे होंगे शायद, और जो गैस रहेगी हमारी बिल्कुल डीप रहेगी, सो थोड़ी सी आँच में। अब मैंने हलवा के अंदर इसमें पानी और चीनी डाल दिया है, तो मैं उसको दिखाता हूँ, और जो है सूजी जल गई है, तो मैं उसे फर्स्ट टाइम बना हुआ, फर्स्ट टाइम प्रॉपर हो गया मेरे साथ,
सूजी काली हो गई, बिल्कुल ही ज़्यादा जला दी मैंने, और इसमें अब पानी और चीनी दे दिया है। चलो देखते हैं कैसा होता है ये, बट फर्स्ट टाइम यार हलवा बनाया और ऐसा हुआ। हलवा तो बना दिया है बट मैं उसका रिएक्शन दे और कलर दिखाता हूँ यार, कसम से बहुत ज़्यादा हंसी आई आपको, इसे लेके दिखाता हूँ पहले। सो ये देख सकते हो हलवा काला हो गया है, अच्छी बात है यार। फर्स्ट टाइम बनाया किसी चीज़ को, फर्स्ट टाइम पोपट हो गया, मेरे साथ पोपट हो चुका है, पूरा काला हो गया कलर इसका। ठीक है चलो मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे तरीके से। आप लोगों को लग रहा हो कि रो रहा हूँ बट यार मम्मी ने आग जलाया, पूरा धुआं कमरे में आ गया है और आँख से पूरे आंसू आ रहे यार, लाल हो गया आँखें, पूरा धुआं धुआं ही कमरा हो गया। और यार इस हलवे का कदर दिखाऊँ मैं आपको, मम्मी बनाती है तो हलवा वाइट होता है और मैं बनाया तो हलवा काला हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ। तो कोई नहीं, खाते हैं जैसा भी हो, बट फर्स्ट टाइम में पोपट हो गया है यार, सिट। अब मैं इसे खाता हूँ और उसका टेस्ट थोड़ा आपको बताता हूँ कैसा है। काले हलवा जिस जो कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, काला कलर का हलवा, टेस्ट तो अच्छा है यार, कोई चीनी भी सही है और मैंने इसमें घी भी गिर दिया तो मज़ा आ रहा है, बट कलर काला हो गया। कोई नहीं, फर्स्ट टाइम में कोई भी काम सही नहीं होता, थोड़ा सा उसके लिए एक्सपीरियंस करता है, ट्राई करनी पड़ती है एक दो बार तो ज़रूर सही होता है, है ना। तो कोई नहीं यार, जैसा ही बना बस सही बनाया हलवा यार, बिल्कुल वाइट होता है, मैंने बनाया तो काला हो गया है। कोई नहीं चलो, अभी थोड़ी बारिश खुल गई है तो देखते हैं, अगर कहीं बाहर चलते हैं तो ले चलता हूँ, बट यार दिल्ली में आपको पता होगा शनिवार संडे लॉकडाउन भी हो गया है, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं कहीं बाहर जा भी नहीं सकते घूमने के लिए, पास में कहीं लोकल में अपने घूमेंगे जो भी करना होगा। तो चलो मैं हलवा खा के उसके बाद मिलता हूँ कहीं घूमने। सो गाइस मैंने ये ब्लॉग चार कुछ आपको दिखाया नहीं, घर से बाहर गया नहीं, पूरे दिन बारिश हो रहा था तो बारिश अब जाएगी कुछ बंद हुआ है और मैं सो भी गया था, और अभी लाइट कटी हुई है, थोड़ा लाइट है बस अपना जो। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे, आप प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करना एंड चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, और यार बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ यार एक प्यारा सा कमेंट कर देना ज़रूर। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, जब तक के लिए जय हिंद एंड बाय।